पैक्स कार्यक्रम का दो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहे हैं। नंबर एक तो जैसा पहले मैंने बताया है, जो CSOs काम कर रहे हैं समुदाय के बीच में, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, और दूसरी बात है सामाजिक स्तर पे जो संगठन है, ग्राम सभा है, SHG है, किसान समिति है, जुआ या मंडल है, या और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं, उनको मजबूत करते हुए, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए, जो बुनियादी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए सक्षम बनाया। पैक्स का सबसे बड़ा सहयोग रहा है समुदाय स्तर के कामों को आगे बढ़ाने में, कि किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाके, जो कई तरह की समस्याओं से घिरा इलाका है, वहाँ के जन समुदाय के आवाज़ को ज़िला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उनकी समस्याओं के समस्याओं और समाधान के लिए उनकी आवाज़ को कैसे आगे बढ़ा के जन वकालत कर सकें, इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है पैक्स ने। ट्रेनिंग तो अपने आप में एक है, दूसरी बात इन्होंने बार बार जो एक ओरिएंटेशन हुआ है कि कम्युनिटी ही हमारी टारगेट है जो कि काम को आगे ले जा सकते हैं, और उन्होंने एक्सपोजर विजिट कई बार किया है, और फिर कम्युनिटी से भी लीडर्स निकाले हैं, लीडरशिप जो डेवलप हुआ है कम्युनिटी में उसके लिए जो मदद की है वो बहुत काम की है ना। आरेश भाई मित्र, फिर बन मित्र, ये जो कम्युनिटी से ही लोग आए हैं, और फिर जो कम्युनिटी के मेंबर को हमने गवर्नमेंट की जितनी कमिटियां हैं, स्कूल की कमिटी, मैनेजमेंट कमिटी है, आपका VHSNC है, इस सब में हम लोगों ने वंचित समुदाय से महिलाओं को, पुरुषों को जोड़ा। इसको जोड़ने के लिए उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, ट्रेनिंग दिया, गाइड किया, तो ये बहुत काम। सरकार जो अभी तक काफ़ी लंबे समय से नरेगा के अधिकार और उसके प्रावधानों की पहुंच समुदाय तक नहीं कर पाई थी, पैक्स कार्यक्रम के द्वारा उन अधिकारों की पहुंच और उन अधिकारों को कैसे हासिल किया जा सकता है, वो वंचित समुदाय तक वो बात पहुंची है। पैक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कम्युनिटी को मदद करने में, कि जिस विषय पर मैं काम करता हूँ फॉरेस्ट राइट पर, वहाँ के उन CBO जो बने हुए हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम लोगों को प्रशिक्षण देने में, पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने में, मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मदद की है उन्होंने, प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में उन्होंने काफ़ी मदद की है। सबसे बड़ा सहयोग पैक्स का ये रहा कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर वे में हम लोगों को काम करने का एक स्पेस दिया, जिसमें हम लोगों ने कदम ने 8 जिला के 12 ब्लॉक के 196 गाँव में हम लोगों ने अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन को खड़ा किया है, जो अपना भी बिना भेदभाव किए हुए अपना हक अधिकार को ले सके। कम्युनिटी को जो मदद मिला पैक्स प्रोग्राम के माध्यम से, वो ये है कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था CBO फॉर्मेशन, तो CBO फॉर्म करने से हुआ कि सारी कम्युनिटी एक मंच पे आए और वो लोग इस मुद्दे पर बात करना शुरू किया। दूसरा कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक कम्युनिटी ही था, जिसे हम SMC कहते हैं, वह पूरी तरह से निष्क्रिय था, जो कि पैक्स कार्यक्रम के माध्यम से, उनके ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से वो सक्रिय हुआ, और SMC में जो अभिवंचित समुदाय की भागीदारी नहीं थी, वो अभिवंचित समुदाय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ पाया, जिसके लिए GCK ने जो स्ट्रेटजी अपनाया था कि हर गाँव से जो अभिवंचित समुदाय के यूथ ग्रुप हैं उनको उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया, और वो यूथ पूरी भागीदारी से आए, और जिस पे 2014 में जो SMC का चुनाव हुआ, जहाँ कि उसके पहले कहीं भी अभिवंचित समुदाय की भागीदारी नहीं मिलती थी, अगर था भी तो सिर्फ नाम मात्र का, अब वो सक्रिय रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग्स थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि जिसको लेके हम लोग पहले हमने खुद सीखा और उन चीज़ों को लेके हम कम्युनिटी में गए और उनको बहुत सुदृढ़ किया, और आज की डेट में देखा जाए, आज की तारीख में देखा जाए, तो हमारा जो एक सोशल कैपिटल जो बन गया है, वो पैक्स के लिए और हमारी संस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है, और वो निरंतर सस्टेनेबिलिटी में ये बहुत मददगार होगा, क्योंकि हम वहाँ रहे ना रहें, पैक्स परियोजना वहाँ ना हो, लेकिन जो लोग तैयार हो गए, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स तैयार हो गए, वो हमेशा वहाँ रहने वाले हैं, क्योंकि वो वहीं के निवासी हैं, और वो इन मुद्दों को, स्वास्थ्य के मुद्दों को, बच्चों के स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को लगातार निरंतर
ना सिर्फ अपने जीवन में आत्मसात करके इस्तेमाल करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी वो लगातार काम करते रहेंगे।